आजकल कोरोना वैक्सीन के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई क्या यही कि जिसको लेकर आए थे जान बचाने के लिए और वो बन गया है जान का खतरा। ये तो वही हाल हुआ ना, दोस्त को लाए थे दुश्मन से लड़ने के लिए और हमारा दोस्त बन बैठा दुश्मन। दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त दुश्मन हो गया। तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जस्ट 12 क्लासेस में। और आज आपको हम बताने वाले हैं कोविशील्ड की सच्चाई। यानी आप लोग न्यूजेस में हर जगह कुछ दिनों से, पिछले एक हफ्ते से एक न्यूज जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है वो ये है कि 22 साल का लड़का जिम करते हुए मारा गया, एक 34 साल का युवक डांस करते करते क्या हुआ, बेहोश हो गया, हार्ट अटैक आ गया, मारा गया, एक पिता की दो लड़कियां, दोनों लड़कियां क्या है मारी गई, उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। ऐसे हजारों केसेस जो आप लोगों को पिछले कुछ दिनों में दिखाई दे रहे हैं, जहां पे नॉर्मल एक 22 साल का, 21 साल का कम उम्र के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहा। पहले के समय में हार्ट अटैक एक बहुत बड़ा रोग हुआ करता था, जो लंबे समय से डायबिटीज से पीड़ित लोगों को या फिर जो लंबे समय से हार्ट की बीमारियों से ग्रसित थे उनको होता था। लेकिन अब तो ये आम बन चुका है। आम क्यों बन चुका है, क्योंकि अब ये हर दिन, हर समय, हर मिनटों में किसी न किसी एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है। और इसके पीछे जो पिछले कुछ दिनों से लोगों ने सर्च करते हुए पाया कि इसके पीछे हाथ है किसका, इसके पीछे हाथ है निधि मैम का नहीं, इसके पीछे हाथ है निधि मैम के हाथ में लगे हुए, बल्कि निधि मैम के ही नहीं, 172 करोड़ लोगों के हाथ में लगे हुए कोविशील्ड का। कोविशील्ड एक प्रकार का वैक्सीन, पहले जान लेते हैं कोविशील्ड क्या है। कोविशील्ड वह वैक्सीन है जो लोगों को, भारत सरकार ने 172 करोड़ लोगों को लगाया था कोरोना से बचने के लिए। इसके दो डोज थे जो 22-22 दिनों के अंतराल पर लेने थे और सभी जितने भी भारतीय लोग थे उन्होंने लिया। लेकिन कोविशील्ड जो कंपनी, जिसने कोविशील्ड बनाने की फॉर्मूला भारत को दिया था, उस कंपनी ने कबूला है, उस पर 51 से ज़्यादा लोगों को केसेज है और उसने कबूला है कि हाँ, मैंने जो दवा कोविशील्ड कोरोना से बचने के लिए दिया था उससे हार्ट अटैक आ रहे हैं, वो खतरा है, उसके कुछ साइड इफेक्ट है। लेकिन ये रेयर, ऐसा नहीं है कि सभी को ये होंगे, ये सभी को होने वाला नहीं है, 10 में से एक को होगा, लेकिन होगा। अब जब ये वर्ड लोगों के मन में आया कि जिसने दवा बनाया उसने कबूल लिया कि इसके साइड इफेक्ट है, लोग क्या है, लोग बच्चे क्या है, डर गए हैं। ठीक है, लोग हाइपर हो रहे, उनको डर है कि कहीं ऐसा नहीं कि वो जो रेयर केसेस 10 में से एक को होने वाला है वो हम ना हो। इसके लिए वो कुछ ज्यादा ही अलग अलग कदम है। अब आपके बहुत सारे ऐसे YouTube वाले जो फायदा उठा रहे कि ये खाइए, वो पीजिए, इससे बचिए, ठीक है, तो ये अब और आपको कहां जा रहा है, अंधविश्वास की तरफ लेकर जा रहा। तो आज जानेंगे पूरी सच्चाई कि अगर जो बच्चे, जो लोग कोरोना वैक्सीन के लिए कोविशील्ड लगवाए हैं उनके साथ क्या होगा, कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, क्या आप उन रेयर लोगों में से हो, अगर हो तो आपको क्या चीजें करनी है, उन सभी चीजों पर आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चे तैयार हैं, एक बार लाइक कर दो, अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हर बच्चा इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, क्योंकि ये आज का वीडियो हर इंसान के लिए, हर चाहे वो किसी भी एज का हो, सबके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आप सभी लोग सभी को जरूर शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कोविशील्ड के बारे में। तो यहां पर है कि ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्रोजेनेका ने स्वीकार किया कि उनकी कोविड 19 में हमें कोविड नामक एक महामारी देखने को मिली थी और उस महामारी से बचने के लिए कई प्रकार के वैक्सीन तैयार किए गए, जिसमें से था कोविशील्ड। कोविड 19 इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये 2019 में आया था और ये कई साल 2019-20-21 में काफी ज्यादा तबाही मचाया। और इसका ये तबाही कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या था, याद है वो दिन, आज भी अगर हम लोग सोचते हैं उस समय को तो हमारी रूह कांप उठती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो समय वापस आ रहा है। जो डर उस वक्त था वो डर आज फिर से हर इंसान के मन में पनप रहा है और इसके पीछे है कोविड 19 से बचने के लिए हमने जिसका इस्तेमाल किया था कोविशील्ड। क्योंकि कोविशील्ड बनाने वाली जो कंपनी थी एस्ट्राजेनेका, जो ब्रिटेन की कंपनी थी, इसने कबूल किया है, क्या कबूल किया है कि कोविड 19 से बचने के लिए जिस वैक्सीन को लगाया गया इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं।
इस बीच कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। अब सवाल क्या क्या है उन चीजों को जानेंगे। ये देखो, ये हमारा कोविशील्ड था जो 172 करोड़, आपको ये जानकर हैरानी होगा कि लगभग 172 करोड़ लोगों को कोविशील्ड का टीका लगा था, ठीक है, 172 करोड़। इसकी जो औसतन सबसे ज्यादा बोला जाता है कि जब इसको बनाया गया था तो वहां के साइंटिस्ट कौन कौन से, एक तो ब्रिटेन की जो कंपनी है, इस कंपनी के साइंटिस्ट, और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि बहुत दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है, वहां के साइंटिस्ट ने मिलकर इस कोविशील्ड का वैक्सीन का निर्माण किया और भारत को इसका फॉर्मूला दिया गया। भारत में हमारी जो कंपनी है उसने क्या किया था, शीतलन कंपनी समथिंग करके है, उसने इसका निर्माण, कोविशील्ड का निर्माण किया था और 172 करोड़ लोगों को लगाया गया। आगे जानेंगे ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका, ठीक है, जो कंपनी का नाम क्या है, एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया कि उनकी COVID-19 वैक्सीन के कुछ दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट का है ना, कि देखो वो जो आपका कोविशील्ड है वो बनाने वाला कौन था, बनाने वाली कंपनी का नाम तो आपको पता चल गया, एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका के साइंटिस्ट और आपके ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट मिलकर कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसका खोज किए, उसका जो फॉर्मूला है वो भारत को दिया गया। भारत के किस कंपनी को, सीरम इंस्टीट्यूट को इसको दिया गया, जिसने क्या किया, उसी फॉर्मूले पर उस दवाई को तैयार किया, ठीक है। फॉर्मूला से ही कोविशील्ड वैक्सीन का मैन्युफैक्चर किया गया। ब्रिटेन की मीडिया के अनुसार कंपनी के खिलाफ 51 मुकदमे चल रहे हैं, दर्जनों में मामलों में से जिनमें से यह आरोप लगाया गया कि टीके के कारण जाने गई हैं और कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े हैं। आगे एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कोर्ट में माना है कि कोविड वैक्सीन लेने वाले व्यक्तियों में दुर्लभ दुष्प्रभाव देख सकते हैं। अब आप बताइए इसके बारे में आप क्या कहेंगे, यानी एक डर हो गया कि नहीं, हमने जिस महामारी से बचने के लिए जिससे हाथ मिलाया, जिसको हमने सोचा कि ये हमारे लिए जड़ी बूटी है और वो हमारे लिए खतरा बन गया। उस वक्त जब ये कोविशील्ड खोजा गया था, कोविशील्ड तैयार किया गया था, तो लोगों के मन में एक आस था कि अब हम कोरोना से बच सकते हैं, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो किसके लिए हमने लगाया था कोरोना से बचने के लिए, उससे गंभीर बीमारी उत्पन्न कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है। अब इस पर आप क्या कहेंगे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन आगे जानते हैं कि कौन कौन से गंभीर बीमारी देखने को मिल रहे हैं। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि कोविशील्ड और वैक्सेजेवेरिया ब्रांड नामों के तहत बेची जाने वाली उनकी वैक्सीन के टीटीएस, बच्चा एक प्रकार का क्या है, रोग है। टीटीएस में क्या है, टीटीएस का पूरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम विथ थ्रोम्बोसिस, ठीक है, ये इसके बारे में आगे जानेंगे। लेकिन याद रखना टीटीएस एक प्रकार का रोग है जो कोविशील्ड जो व्यक्ति लगाए हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिल रहा। इसमें क्या है, इसका पूरा नाम भी पता चल गया, थ्रोम्बोसाइटो, देखिए टी से क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम विथ थ्रोम्बोसिस नामक साइड इफेक्ट होने की संभावना बहुत ही कम है। पहले भी एक्वायर्ड टीटीएस कोविड के टीके समेत कई अन्य टीकों के प्रतिकूल प्रभाव से जुड़ा रहा, ठीक है। टीटीएस बच्चा देखा जा रहा है कि ज्यादातर केसेस में जिन लोगों ने कोविशील्ड लगाया है उसमें टीटीएस देखे जा रहे हैं। टीटीएस क्या है, ये अब इसके बारे में भी जान लेते कि टीटीएस क्या है टीटीएस, इसके बारे में जान लो। आपको बता दें कि टीटीएस एक दुर्लभ कंडीशन है जिसमें शरीर में खून के थक्के बनने लगते हैं। देखो ये हमारी रुधिर वाहिनियां हैं, आपको पता है शरीर का कोई भी हिस्सा काटोगे वहां से क्या होता है, खून बाहर निकलता है रुधिर के रूप में, शरीर से रुधिर के रूप में बाहर निकलता है। अब रुधिर के अंदर थक्का, अब रुधिर क्या है, लिक्विड होता है, ये बह रहा है। अगर क्या हो कि रुधिर के अंदर क्लॉट जमने लगे, इस तरीके से रुधिर के अंदर थक्का जमने लगेगा, जब ये रुधिर के अंदर थक्का जमने लगेगा तो ये आपस में मिलकर क्या करेंगे, इस पूरी नलिका को बंद कर देंगे, और जब नलिका बंद हो जाएगी तो जो रक्त है वो क्या करेगा, इस पर दबाव डालेगा, उसको बाहर ढकेलने की कोशिश करेगा ताकि हम बह सके। क्योंकि रुधिर का गुण क्या है, वो आपका बिना रुके लगातार हमारे जीवन पर्यंत बहता रहता है और शरीर के समस्त भागों तक लेकर जाता है, ठीक है। ये अगर रुधिर के अंदर विटामिन जारे पदार्थ है, अगर वो कहाँ तक, पूरे कोशिकाओं तक जाता है, कोशिका उनसे लेता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेकर सेलुलर
सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन की क्रिया करता है। अगर कोशिका श्वसन नहीं करेगा तो एनर्जी का निर्माण नहीं होगा, और एनर्जी नहीं बनेगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा, जिसको ही स्ट्रोक कहा जाता है। स्ट्रोक का मतलब जो आप लोग हार्ट अटैक हार्ट स्ट्रोक सुनते हो ना, वो यही चीज है। ठीक है, तो थक्का कहीं पर भी जम सकता है। लीवर में अगर थक्का जम गया तो लीवर स्ट्रोक हो जाएगा। ब्रेन में, जो ब्रेन में हमारी खून है, अगर वहां पे थक्का जम गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। और अगर हार्ट की रुधिर वाहिनियों में थक्का जम गया तो हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा। तो ये हमारा टीटीएस है। टीटीएस में जो खून है वो खून कर क्या हो रहा है, सूख करके थक्का में बदल जा रहा। थक्का बनने के बाद ये रुधिर वाहिनियों को बंद कर दे रहा, रुधिर दबाव डाल रही है। दबाव की वजह से अचानक रुधिर का क्या, तेजी से दबाव डालने की वजह से स्ट्रोक यानी हमको अटैक देखने को मिलता है। आगे आगे है ब्लड क्लॉट होने की स्थिति को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ठीक है, ब्लड में रक्त में थक्का जमना ही थ्रोम्बोसिस कहलाता है। यह शरीर के किसी भी जगह पर हो सकता है, जैसे नसों में, आर्टरीज में, दिल के अंदर। इसकी वजह से शरीर के अंगों में ठीक तरह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। ब्लड क्लॉटिंग से बचने के लिए लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। थ्रोम्बोसिस के कारण ही हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स गिरने का खतरा बढ़ जाता है। यानी जो टीटीएस रोग है वो एक प्रकार का गंभीर रोग है, क्योंकि इसमें रुधिर का थक्का जम रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, लीवर स्ट्रोक आदि चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। और ये क्या है, यही आपका टीटीएस कहलाता है। यही क्या कहलाता है, टीटीएस कहलाता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैम ये तो पता चल गया कि कोविशील्ड क्या है, कोविशील्ड के बारे में, कोविशील्ड के तहत जो जो चीज़ें अभी न्यूज़ में आ रही हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कोविशील्ड, जो कोविशील्ड का साइड इफेक्ट है वो है टीटीएस। ठीक है, अब देखो कोविशील्ड का साइड इफेक्ट ये इतने सालों बाद क्यों दिखाई दे रहा। ठीक है, देखो कोविशील्ड का जो साइड इफेक्ट है अब धीरे धीरे कम, क्योंकि 2 साल हो चुके, जिन व्यक्तियों को 6 महीने हुए थे लगाए हुए उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा। जैसे जैसे हमारा क्या है, एज आगे बढ़ते जा रहा, समय बढ़ते जा रहा, उसका साइड इफेक्ट कम हो रहा है, लेकिन फिर भी हमको इतने सारे केसेस क्यों देखने को मिल रहे, तो हमारे लाइफस्टाइल में होने वाले बदलाव। इस समय हम अगर ज़्यादा थकान वाले काम करेंगे, ठीक है, ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं और उसके बावजूद आप किसी कार्य को करे जा रहे हो, तो ये स्ट्रोक का खतरा बन सकता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो आपका कोविशील्ड था उसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स आपको पता चल गए। अब आपको हम बताने वाले हैं कि कोविशील्ड से जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, परेशान हर व्यक्ति जो भी बच्चा देख रहा है, अपने घर पर भी बच्चा, आप लोग एक बार जरूर ये सब बताइए। ठीक है, ये केवल आपके लिए नहीं, सभी के लिए, सभी के लिए है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो लोग भी पैनिक हो रहे, पैनिक होने से बचना है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे क्या क्या, पहला जो पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है वो क्या है, सही तरीके से अपने हार्ट को सुरक्षित करना, क्योंकि हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है ना। तो अगर हम अपने हार्ट को ध्यान से रखेंगे, सही प्रकार से रखेंगे, तो हार्ट अटैक नहीं होगा। जिसमें क्या करना है, फल खाना है, सब्जियाँ खाना है, अनाज। ठीक है, आपको क्या करना है, एक प्रॉपर डाइट फूड, सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको प्रॉपर डाइट फूड लेना है। खाने में आप फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, ठीक है, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। दो चीज़ें, सबसे मेन चीज़ें, इस समय में आपको किसी भी प्रकार का ट्रांस फूड और आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना। प्रोसेस्ड का मतलब होता है जो पैक किए हुए फूड होते हैं, जैसे चिकन वगैरह पैक करके आता है ना, तो कोई भी चीज़ पैक की हुआ आपको नहीं खाना है। आपको किसी भी तरीके का ट्रांस फैट यानी जिसमें ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज हो, उन चीज़ों को नहीं खाना है, उनसे आपको बचना है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, डाइट फूड खाइए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डाइट फूड। दूसरा है नमक का प्रयोग करें। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, नमक का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सब्जी में थोड़ा सा भी नमक कम होता है तो आप लोग क्या करते हो, ऊपर से कच्चा नमक डाल लेते हो। आपको बता दें, कच्चा नमक आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खराब होता है। हमें कभी भी कच्चा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमेशा नमक को सब्जी के अंदर पका कर ही डालो। ठीक है, वहाँ नमक कम है तो काम हो जाएगा। ठीक है, नमक कम ही खाएं, लेकिन अच्छा नमक खाएं, आयोडीन युक्त नमक खाएं। और जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ है वो प्रयोग कोशिश करें कि काला नमक या फिर सफ़ेद नमक का इस्तेमाल ना करें, वो ज़्यादातर सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। जिनको भी बीपी और या फिर उनको डायबिटीज़ है, उन लोगों के लिए है।
ठीक है। तीसरी चीजें क्या याद रखना है, ज्यादा वजन, अगर आपको दिख रहा है कि आपका वजन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो इसको कंट्रोल करें, क्योंकि ज्यादा वजन भी कहीं ना कहीं आपका टीटीएस के लक्षणों को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए, वजन का आपको क्या करना है, सही प्रकार से ध्यान रखना है, सही प्रकार से ख्याल रखना है, क्योंकि ज्यादा वजन दिल के दौरे को क्या करता है, जोखिम को बढ़ा देता है। और चौथा, लगभग 30 से 40 मिनट रोज आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। 30 से 40 मिनट आपको क्या करना है, एक्सरसाइजेस करने हैं, ताकि आप क्या कर सको, इन चीजों से बच सको। पांचवा, स्मोकिंग नहीं करना है। फिफ्थ क्या है, पांचवा आपका क्या है, स्मोकिंग करने से बचिए। इन सभी चीजों का उपयोग करके आप हार्ट में होने वाली बीमारियां, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो लोग भी कोविशील्ड लगवाए हैं उनमें ज्यादा हार्ट अटैक देखे जा रहे हैं। अभी इस पर पूर्णतः कोई निष्कर्ष नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसके साइड इफेक्ट ये है, अगर न्यूज़ में चल रहे तो आप अपना ध्यान खुद रखो। ध्यान कैसे रख सकते हो, आप अपना ध्यान कैसे रख सकते हो, तो इन चीजों को फॉलो करके। हार्ट की सुरक्षा अब आपके हाथ में है। क्या क्या करना है, आपको अपना ब्लड प्रेशर मैनेज करना, हर वक्त अपने पास ब्लड प्रेशर की मशीन, डायबिटीज मशीन अपने पास रखिए, ताकि आप क्या कर सको, उसे नाप सको, मेजर कर सको, और मेजर करके उन चीजों को फॉलो कर सको जो उस वक्त आपके शरीर को नीड हो। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको हेल्थ चेकअप करवाना है, ठीक है। अल्कोहल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना, बल्कि ना के बराबर अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आपको अच्छे खाने खाने हैं, आपको कोशिश करना है कि क्या, आपको हार्ट हेल्दी ईटिंग फूड ही करना है, जो आपकी सेहत के लिए, दिल के लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है। हेल्दी वेट, एक ज़्यादा वजन होना सेहत के लिए खतरा है। स्मोक नहीं करना है। अपने जो चिंता को, सबसे मेन चीज़ क्या होता है, स्ट्रोक का स्ट्रेस। अब इस दौरान जब से ये न्यूज़ आया है, जो देख रहे हो कि ज़्यादातर लोग शादियों में डांस करते करते उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है, वो क्या स्ट्रेस है। तो आपको स्ट्रेस फील नहीं करना है, स्ट्रेस से दूर रहिए। जहाँ पर लाउड म्यूज़िक चल रहा है, बच्चा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जहाँ पर भी लाउड म्यूज़िक है, या तो लाउड म्यूज़िक को बंद करवाइए, या तो वहाँ से दूर हो जाइए। क्योंकि जब लाउड म्यूज़िक चलता है ना, तो उसका जो प्रेशर है वो हमारे हार्ट पर भी होता है। आप लोग कभी नोटिस किए होंगे कि जब ज़्यादा आवाज़ में गाना बजता है तो आपके हार्ट में भी धक 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 होने लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका क्या है, दिल के दौरे का एक खतरा है। इसमें भी आपको क्या देखने को मिल सकता है, हार्ट स्ट्रोक देखने को मिल सकता है, ठीक है। ज़्यादा चलिए, चलने की कोशिश ज़्यादा करिए, ब्लड शुगर को मेंटेन करिए, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल ही बच्चा रुधिर का थक्का जमाता है, जो आप लोग सुन रहे हो ना कि टीटीएस में ब्लड में क्लॉट बनने लगते हैं, रुधिर में थक्का जमने लगता है, तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार होता है। तो आपको कोशिश करना है कि बाहर की चीज़ें कम खाएं, जिसमें ज़्यादा मोटापा हो, वसा हो, उन चीज़ों से आपको क्या करना है, दूर रहना है। तो इन चीज़ों को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, हार्ट को सेफ कर सकते हो, अपने रुधिर को, अपने रुधिर में बनने वाले थक्के को रोक सकते हो। और सभी बच्चे जो आपका इस टाइम चल रहा है कोविशील्ड, उन चीज़ों को इग्नोर करिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसा भी होगा आगे न्यूज़ में आता रहेगा, आपकी निधि मैम यहीं पर है, हर छोटी से छोटी चीज़ें आपको समझाएंगे, आपके जीवन से जुड़ी हर एक बातों को बताने के लिए निधि मैम यहीं पर है, ठीक है। तो कोविशील्ड का क्या चल रहा था, जो न्यूज़ में चल रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या हुआ है, आपको पता चल गया है, ठीक है। तो अधगर गगरी छल कर जाए, अधूरा नॉलेज लेकर कुछ उछलने से अच्छा है कि पूरी चीज़ें अब आप जान गए हो। आप खुद भी जानिए, घरों को भी जागरूक करिए, अपने घर परिवार वालों को भी बताइए कि ये चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, जो कोविशील्ड लगवाया है उनमें ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और कोविशील्ड बनाने वाले कंपनी ने भी क्या किया है, मान लिया है अपने जुल्म को, या फिर बोल सकते कि अपने इस चीज़ को माना है कि हाँ मेरे कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर है, यानी बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलेगा। तो आप इन चीज़ों का पालन करके उन कम लोगों में आने से बच सकते हो। तो इन चीज़ों को फॉलो करिए, सही तरीके से अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अगले इसी तरीके से टॉपिक पर चर्चा करेंगे। क्लासेस पसंद आएगा प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर।